बादशाह भाई की शादी हुई है बड़ी धूमधाम से। अरे क्या खर्चा किया है उन्होंने, देख के तो हैरान हो गया मैं। अरे भाई हमने भी सुना है, मगर हमको सब पता है कि ऐसी धूमधाम की शादी कैसे की। बाहर मुल्क में रहता था, वहाँ पे उसने उल्टे पुल्टे काम करता है, इसीलिए तो इतना पैसा लुटा रहा है। मेहनत के पैसे ऐसे कौन लुटाता है भाई। चलिए मैं चलता हूँ फिर। ये भी कौन से अच्छे भाई। सही कहा आपने, ये अभी बादशाह भाई की बुराई कर रहा था, ये भी तो वैसा ही है, ये उल्टे पुल्टे धंधे करता है। हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। पता नहीं लोग क्यों किसी के पीठ पीछे गइबत करते हैं, वो बात जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं है। क्या फायदा है इसका, क्या मिलता है इससे। और आपका काम कैसे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मार्केट अच्छा चल रहा है, अभी इंशाल्लाह कल एक डील क्लोज हो जाएगी हमारी। अरे वाह जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। और तो यार करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे वो उनके बारे में सुना है आप लोग ने। गीबत सुनने वाला गीबत करने वाले जैसा है। मेरे तीन सवाल के जवाब दे दो, उसके बाद किसी के भी बारे में बोल सकते हो। जिसके बारे में आप बोल रहे हो क्या वो बात सच है। शायद पता नहीं, यानी वो सच नहीं है। अच्छा जिसके बारे में आप बोल रहे हो क्या वो बात अच्छी है। अच्छी तो नहीं है, बुरी है। यानी अच्छी बात नहीं है। अच्छा जिसके बारे में आप बोल रहे हो उससे कुछ हमारा फायदा है। फायदा नहीं, ना तो वो बात सच है, ना तो वो बात अच्छी है, ना तो वो बात से हमारा कुछ फायदा है, तो हम क्यों सुने ऐसी बात। सॉरी यार, आज तक मैं ये बात सोचा ही नहीं। फिर जब भी हम लोग ठहरते हैं कोई दो चार बंदे, तो किसी की गिबत क्यों करते हैं। आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला।